हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बिग बॉस सीजन 17। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ना, हाई एंटरटेनमेंट का पिटारा स्टार्ट हो गया है। सलमान खान का ये रियलिटी कॉन्ट्रोवर्सियल शो छोटे पर्दे का सबसे हिट रियलिटी शो माना जाता है। अब एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट इस बार आए हैं और साथ ही साथ कपल वैसे सिंगल का थीम है। तो आइए आज मैं बात करने जा रही हूँ कपल की, यानी कि ऐश्वर्या और नील भट्ट का। इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस मुझे कुछ खास समझ में आता नहीं। जहाँ पे मुझे नील का तो बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, केयर दिखाई देता है, बट वहीं पे ऐश्वर्या जिस तरीके से उन्हें धुतकारती है वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। और जाहिर है जितना अच्छा ये लोग पर्दे में दिखाई देते थे सोशल मीडिया में, बिग बॉस में आने के बाद इन दोनों का रियलिटी दिख गया कि ऐश्वर्या कितनी गंदे तरीके से ट्रीट करती है नील को। इसी बात में सलमान खान ने वीकेंड के वार में ऐश्वर्या को काफी हद तक सुनाया है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में प्यार है, टकरार है, झगड़ा है, तो साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते में एक तलाक का भी ऑप्शन आता है। और अब जिस तरीके से नील को ट्रीट करती है वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात सुनने के बाद जैसे ही वीकेंड के बाद में सलमान भैया गए अपने घर, देन उसके बाद ऐश्वर्या और नील के बीच हो गया झगड़ा। यहाँ पे ऐश्वर्या का पूरा दोष नील को ही देना था कि तू ज्यादा दिखाता है बट मैं तेरे मुकाबले दिखा नहीं पाती, इट डजंट मैटर कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। और इसका लेके तो भाई साहब वो 2 से 3 दिन तक रोई। एंड देन इसके बीच में जो गुम है किसी के प्यार में साई उर्फ आयशा सिंह, ये लोग के रिलेशनशिप स्टेटस में जब इनसे पूछा गया कि आपको क्या बोलना है, तो उन्होंने बोला कि सेट में हम दोनों को खास अच्छे दोस्त नहीं थे, तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, जिसे मैं जानती नहीं, जो मेरे क्लोज नहीं है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के रिलेशनशिप स्टेटस में दे दूँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और उनसे ये भी पूछा गया कि हम लोग ने ये सुना कि आपका और ऐश्वर्या का साथ में बनता नहीं है, तो आयशा सिंह ने ये बोला कि एक झूठी मूठी अफवाह है, हमारा ऐसा कुछ नहीं कि उसने मुझे सोशल मीडिया में अनफॉलो कर दिया एंड देन हम लोग का बनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक झूठा अफवाह है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ऐश्वर्या जो कुछ भी नील के साथ कर रही है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो गलत है? अगर लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो बाय बाय।